नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के बजेटी स्थित ज्ञान प्रकाश संस्कृत पुस्तकालय में पंडित हेमंत गुरु महाराज की अध्यक्षता में आयोजित गोष्ठी में कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने के साथ ही साहित्य को लेकर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान लक्ष्मी आर्या, डॉक्टर आनंदी जोशी, आशा सोन, अनिता जोशी, नीरज चंद जोशी, रेखा पांडे, ललित पांडे आदि द्वारा अपनी रचनाएं प्रस्तुत की गई। ज्वालेश्वर सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष लोक गायिका भगवती धनपुरिया ने एक गीत की प्रस्तुति दी। पुस्तकालय के निदेशक डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी व संचालक मंजुला अवस्थी ने कवियों की सराहना की। संचालन बाल साहित्यकार ललित सौरी द्वारा किया गया। एक किशोर और किशोरी के घर से भागने की सूचना पर पुलिस SOG व एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग बनबसा द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को सकुशल अलवर राजस्थान से बरामद किया गया। चंपावत पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार नेपाल महेंद्रनगर थाना के इंस्पेक्टर जीवन गुरुंग और परिजनों द्वारा चंपावत पुलिस को एक किशोर और किशोरी के घर से भागने व भारत आने की सूचना दी गई। सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार SOG प्रभारी उप निरीक्षक मनीष खत्री व ASTU प्रभारी सुरेंद्र खड़ायत के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा सोशल मीडिया व सर्विस लांस की मदद से जानकारी जुटाते हुए मशक्कतों के बाद राजस्थान पुलिस की मदद से गुमशुदा किशोर और किशोरी को राजस्थान अलवर से बीते दिवस बरामद कर बनबसा लाया गया, जिसको लेकर उनके परिजनों व अन्य लोगों ने पुलिस के प्रयासों की सराहना की है। पिथौरागढ़ के वड्डा क्षेत्र में शहीद भुवन चंद भट्ट प्रवेश द्वार स्मारक के निकट भवन निर्माण सामग्री डाले जाने से पूर्व सैनिकों में आक्रोश व्याप्त है। पूर्व सैनिकों ने पुलिस से मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पूर्व सैनिक संगठन के वड्डा क्षेत्र संयोजक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्व सैनिकों के सहयोग से वड्डा क्षेत्र में शहीद भुवन चंद भट्ट की स्मृति में प्रवेश द्वार बनाया गया है, जिसके निकट कुछ लोगों द्वारा निर्माण सामग्री डाली जा रही है। बीते दिनों पूर्व सैनिकों ने विरोध किया तो कुछ दिन के लिए रोक लगी थी, पर पुनः भवन निर्माण सामग्री डाले जाने से द्वार क्षतिग्रस्त हो गया है। पूर्व सैनिक प्रताप सिंह, खुशाल सिंह, परमानंद भट्ट, गोविंद राम आदि ने चौकी पहुंचकर शहीद स्मारक को क्षति पहुंचाने वाले के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। इधर पूर्व सैनिक संगठन के जिला उपाध्यक्ष मयूख भट्ट ने भी इस तरह के लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने व जिले भर में शहीद स्मारकों को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए ठोस योजना बनाए जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ के शिक्षाविद डॉक्टर अशोक कुमार पंत की पुस्तक लीवर प्रत्यारोपण मेरे अनुभव अब शीघ्र ही शॉर्ट फिल्म के रूप में दिखाई देगी। मुंबई के शॉर्ट फिल्म कंपनी चंद्रिका डिजाइन एंड कम्युनिकेशन ने इस पुस्तक पर जिगर का टुकड़ा नाम से शॉर्ट फिल्म की शूटिंग पिथौरागढ़ में शुरू कर दी। 30 मिनट की इस फिल्म में लीवर की गंभीर समस्या से जूझ रहे व्यक्ति के संघर्ष की कहानी तैयार की गई है। गौरतलब है कि डॉक्टर अशोक पंत बीते 15 वर्ष पूर्व लीवर संक्रमण की बीमारी से ग्रसित हो गए थे। उनके चिकित्सक पुत्र देवाशीष पंत द्वारा उन्हें लीवर का एक हिस्सा देने के बाद लीवर प्रत्यारोपण किया गया। इसी पर उन्होंने लीवर प्रत्यारोपण मेरे अनुभव पुस्तक लिखी। मुंबई की फिल्म निर्माता कंपनी चंद्रिका डिजाइन एंड कम्युनिकेशन ने उनकी पुस्तक से प्रेरित होकर 30 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाने का फैसला किया। टीम ने पिथौरागढ़ पहुंचकर डॉक्टर अशोक पंत के आवास नगर के बीच अस्पताल में कहानी के कुछ शॉट की शूटिंग की। फिल्म के निर्माता RN भट्ट और निर्देशक दिनकर कपूर ने बताया कि फिल्म की कहानी काफ़ी प्रेरणादायी है। डॉक्टर पंत की भूमिका मुंबई के शंकर अयोध्यानाथ, बेटे देवाशीष पंत की भूमिका दिल्ली के प्रशांत शर्मा निभा रहे हैं। पढ़ने मेरे अनुभव दिखाया डॉक्टर अशोक पंत इज द वेरी रिनाउंड पर्सनैलिटी ऑफ द पिथौरागढ़ की फील्ड रिनाउंड मैनेजमेंट कॉलेज ऑफ मानस अकेडमी। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस किताब को अध्ययन किया जाए। हमारी टीम ने, हमारे रिसर्चरों ने, और उसमें हमने पाया कि ऐसा अभी तक विश्व में कहीं पर भी नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति प्रत्यारोपण करवाने के बाद, लीवर प्रत्यारोपण करवाने के बाद 15 साल तक जीवित हुआ। तो ये एक अनोखा और आश्चर्यजनक था हमारे लिए, और हमने उस किताब को बहुत अध्ययन किया। इसके राइटर, यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं, शीघ्र संपर्क करें। दार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहां आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर।
आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर, तो देर किस बात की। अभी संपर्क करें या चलें आएं कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। हीरा देवी विद्या मंदिर विवेकानंद मुंशियारी के 33 विद्यार्थियों को एक कार्यक्रम के दौरान कमला नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हीरा धर्मसत्तू की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बनवासी कल्याण आश्रम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संरक्षक गोकर्ण सिंह मर्तोलिया, विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह जिला प्रचारक त्रिभुवन सिंह पैसोड़ा और संघ के जिला प्रचारक दीपक द्वारा अव्वल विद्यार्थियों को पुरस्कार व चेक देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी ने बताया कि पूरे विकासखंड में 84 विद्यार्थी कमला नेहरू पुरस्कार के लिए चुने गए थे, जिनमें सर्वाधिक 33 विवेकानंद विद्या मंदिर के बच्चे शामिल हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य नवीन चंद शर्मा द्वारा विद्यालय के अव्वल बच्चों व आयोजित होने वाले कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। गौरतलब है कि इस वर्ष इंटर के छात्र आयुष बिष्ट ने प्रदेश में 19वां और जिले में पहला स्थान, स्नेहा नितवाल ने 21वां स्थान प्राप्त किया था। भारतीय अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित श्रीमती हीरा देवी भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुंशियारी में आज कमला नेहरू पुरस्कार वितरण किया गया। 1,000 रूपये का चेक 33 विद्यार्थियों को प्रदान किया गया। इस वर्ष का बोर्ड परीक्षा फल भी अच्छा रहा। जनपद पिथौरागढ़ में इंटरमीडिएट परीक्षा फल के आधार पर हमारा विद्यालय प्रथम स्थान पर रहा। आदि कैलाश के दर्शन कर वापस लौट रहे यात्रियों का वाहन कुटी के निकट अनियंत्रित होकर अचानक खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में सवार हरिद्वार निवासी 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश भेजा गया। गुंजी थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह आदि कैलाश से वापस लौट रहा वाहन कुटी गांव से लगभग 1 किलोमीटर आगे पुल के पास अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से पलटकर खाई में जा गिरा। वाहन में सवार चालक सहित 4 लोग घायल हो गए। घायलों में संदीप रोहिला उम्र 44 वर्ष, अविनाश कुमार 44 वर्ष, रंजू 44 वर्ष व पूजा 42 वर्ष घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही 7वीं वाहिनी ITBP कुटी के इंचार्ज राम प्रताप को जवान तथा पुलिस चौकी इंचार्ज जगत सिंह मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से घायलों को निकाला और आर्मी अस्पताल गुंजी पहुंचाया गया, जहां रंजू और पूजा को गंभीर चोट व 2 अन्य पुरुष यात्रियों को सामान्य चोट बताई गई। घायलों को आर्मी अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया और उन्हें बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर भेजने को हेलीकॉप्टर की मांग की गई। गुंजी पुलिस के अनुसार घायलों को हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश एम्स भेजा गया। एक यात्री संदीप रोहिला सामान्य है, उसे वुहान से भेजा गया है। 7वीं वाहिनी के सेनानी परमिंदर सिंह ने बताया कि यात्री आदि कैलाश के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।